नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपडेट न्यूज में। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला है, दंड पर चयन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की व्यवस्था होगी समाप्त, 63,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में। तो प्रदेश के कुल 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। इन स्कूलों के प्रधानाचार्य शिक्षकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से होता है, लेकिन नियुक्ता प्रबंधक होते हैं। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में प्रावधान है कि प्रधानाचार्य शिक्षक पर कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमोदन लेते हैं। हालांकि 9 अगस्त को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग विधेयक में यह प्रावधान नहीं है। इस विधेयक की धारा 16 के अनुसार अब एडेड कॉलेज के शिक्षकों की सेवारत और सुरक्षा इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 के विनियम के अध्याय 3 के अनुसार संचालित होगी। इसमें आशंका की प्रबंधकों के हाथ शिक्षकों का उत्पीड़न और भी बढ़ जाएगा, प्रधानाचार्य के पद पर तदर पदोन्नति की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। तो एडेड कॉलेज में कार्यरत प्रधानाचार्य कुल 1505, प्रवक्ता कुल 16,141, सहायक अध्यापक कुल 45,869, कुल 62,000 शिक्षकों और 1505 प्रधानाचार्य प्रदेश के होंगे प्रभावित। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं है सेवा सुरक्षा का प्रावधान। तो यहाँ पे शिक्षकों की तैनाती में मनमानी पर भी आपत्ति। वहीं जेटेड परीक्षा मामले में फैसला सुरक्षित है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई दौरान प्राथमिक ओर से कहा गया, झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 के बाद से टेट परीक्षा नहीं ली, लेकिन राज्य में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, इसलिए शिक्षक नियुक्ति में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल होने दिया जाए या झारखंड सरकार सीटेट परीक्षा का आयोजन कराए। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया है कि 23 अगस्त 2010 के NCT की गाइडलाइन में प्रोविजन है कि अगर राज्य सरकार टेट परीक्षा नहीं लेती है तो दूसरे राज्य से टेट परीक्षा या केंद्र सरकार से टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति में कंसीडर किया जाए। प्रार्थी ने याचिका में राज्य सरकार को जेटेट परीक्षा शीघ्र लेने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया। प्रार्थी ने याचिका में कहा कि बीते 7 वर्ष से झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। प्रार्थी ने प्रार्थना की कि सीटेट को भी जेटेट की तरह झारखंड में मान्यता दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार जेटेट कराने में असफल रही है। ऐसे में सीटेट पास अभ्यर्थी की उम्र धीरे धीरे खत्म हो रही है। 4 लाख अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा नहीं दे पाएंगे। याचिका में कहा गया है, राज्य सरकार वर्ष 2016 के बाद से बिना जेटेट परीक्षा लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे करीब 4 लाख अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ भी बता दें, सूरज बिहारी मंडल और अन्य की ओर से सीटेट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। और राजकीय शिक्षकों ने मांगा 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प। एडेड माध्यमिक और बेसिक के शिक्षक के पास 60 या 62 वर्ष का अवसर राजकीय शिक्षकों को नहीं दिया जाता है। SCP का लाभ। चांद के करीब जा पहुंचा विक्रम लैंडर, रफ्तार भी घटाने में कामयाबी। सतह पर उतरने से पहले इंजन के जरिए रिबूस्ट करने की प्रक्रिया हुई तेज। और APS के 300 पदों पर भर्ती सितंबर के दूसरे सप्ताह में आएगी। 10 साल के बाद आएगा APS की भर्ती। एक दशक में देरी से ओवरवेज हो गए हैं अभ्यर्थी। बेटी के घर से बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, युवाओं का नेता भविष्य का निर्माता। भविष्य की महामारी रोकने के लिए विश्व को एकजुट होना जाना चाहिए। गलत विषय पढ़ने पर बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे छात्र, CBSE ने स्कूलों को चेताया। और 31 को ब्लू मून, जिस महीने में 2 पूर्णिमा पड़ती है उस महीने को चंद्रमा को ब्लू मून या सुपर मून कहा जाता है। इसी दिन चंद्रमा आम दिनों से 14% अधिक चमकदार, 30% अधिक बड़ा दिखता है। इस बार यह स्थिति 31 अगस्त को होगी। स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हजारों गैर जरूरी पद, यह पद होने हैं खत्म। 47 फिजियोथेरेपी तकनीशियन, 291 BCG तकनीशियन, डार्क रूम सहायक, 2608 नॉन मेडिकल सहायक। नए पद क्या होंगे, ट्रामा टेक्नीशियन के 200, ऑटो टेक्नीशियन के 1029, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन 629, स्टेनोग्राफी क्रिटिकल केयर के 694, उपचारिका के 627। जिले का एक प्राइमरी स्कूल बनेगा आधुनिक। जिला स्तर पर चयनित विद्यालय या तहसील विद्यालय के समीप हो। चयनित विद्यालय यथासंभव जिले के मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे या स्टेट के करीब हो। हाईवे स्टेट विद्यालय परिसर में उसका भवन कला 1300 वर्ग मीटर का निर्माण योग्य रिक्त निःशुल्क व निर्विवादित भूमि उपलब्ध हो। चयनित विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक कक्ष के साथ न्यूनतम 8 कक्ष पहले से निर्मित होंगे। ये स्कूलों की कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिटिव विद्यालय बनाने के लिए, जाँच में सहयोग नहीं करने के लिए 28 BSC को नोटिस। और आज का अपडेट, पीयर पास उम्मीदवार प्राइमरी सीटेट दे सकते हैं। सीटेट को लेकर अनिश्चितताओं के बीच CBSE ने जानकारी दी है। पहले प्राइमरी स्तर के लिए बीयर पास को जगह नहीं दी गई थी।
तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को लेकर के अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा कि बीएड पास उम्मीदवार पहली और पांचवी कक्षा के लिए सीटेट दे सकते हैं। मालूम है 1 अगस्त से जारी सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्राइमरी स्तर के सीटेट के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता बीएड पास उम्मीदवार की जगह नहीं दी गई थी। कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, यूपी मदरसों को मान्यता देने की तैयारी। 8 दशक में फिनलैंड के बराबर ग्लेशियर नहीं बचेंगे, कारण ये भी है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री हो गई है। और MP की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर।